मैं मोमिन साइम नसीम अख्तर तकरीबन 6 साल से एज अ लैंग्वेज ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर काम कर रहा हूँ। मैं प्रोपराइटर हूँ एस एस इंग्लिश अकेडमी का। बज में रिक्ता एक्चुअली लास्ट ईयर ही मैंने बज में रिक्ता का प्रोग्राम अटेंड किया और मुझे अटेंड करने के बाद यह रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे 2 वर्ड में बज में रिक्ता को डिफाइन करना है सो आई कैन से नो कंपेरिजन बिकॉज दे डिड ग्रेट जॉब एंड आई लाइक टू प्रोग्राम वेरी मच। वैसे तो सारे राउंड ही बहुत ही अच्छे थे लेकिन मेरा जो फेवरेट राउंड था वो बजर राउंड था क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और ऑडियंस भी उसे इंजॉय कर रही थी। और बजर राउंड में आपको बहुत अलर्ट होना होता है, मीन्स यू हैव टू गिव आंसर क्विकली, सो बजर राउंड इज़ माई फेवरेट राउंड। जहाँ तक मैंने प्रोग्राम देखा है लास्ट ईयर का, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, अकॉर्डिंग टू मी एवरीथिंग वॉज गुड। और मुझे ऐसा फील होता है कि जो भी चीज़ आप करते हो उसमें जब तक आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ों के आइडियाज़ होते जाते और देन आफ्टर ऑटोमेटिकली आप उसमें इम्प्रूवमेंट करते चले जाते। सो आई थिंक एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। सो आई डोंट थिंक सो एनी इम्प्रूवमेंट इज़ रिक्वायर्ड नाउ। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले उर्दू के हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स नॉर्मली होते रहते लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है एज अ लैंग्वेज टीचर, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि इंग्लिश से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं वो SSC HSC कम्प्लीट करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली जब वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी इंग्लिश से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होना चाहिए ताकि उनका बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके और ताकि उनको इंग्लिश की अहमियत मालूम हो सके और ताकि वो लोग इंग्लिश पर काम कर सके और इंग्लिश को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 2019 का, इंग्लैंड सचिन बंसल माइडिया बॉय, जनगण मन कलकत्ता फ्रांस इसरो। I would like to request your audience that you should attend this program. The program is going to held on 14 December, Friday, in Reis High School Hall. Must attend this program with your friends, family, everyone. Thank you.